की मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। स्वयं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों की जांच पड़ताल की है और क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। जिस तरह से लोकसभा का उपचुनाव प्रशासन के लिए चैलेंज भरा हुआ बना हुआ था, लेकिन प्रशासनिक अमले ने और पुलिस प्रशासन ने सूझबूझ के चलते लोकसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया था। अब दूसरा चैलेंज प्रशासन के लिए मतगणना वाला दिन है। 8 दिसंबर के दिन नवीन गल्ला मंडी स्थल पर मतगणना होनी है, जिसको लेकर किसी भी तरीके की कोई अराजकता, सामाजिकता या प्रिय घटना घटित किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए मतगणना स्थल को पूरी तरीके से अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। स्वयं पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित मतगणना से एक दिन पहले सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों को देखने के लिए नवीन गल्ला मंडी मतगणना स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे इंतजामों को बारीकी से चेक किया और जहां भी कोई कोर कसर महसूस हुई उसको तत्काल पूरा करने का काम किया। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बाहर से आए फोर्स और पुलिस के अधिकारियों को भी कैंप के माध्यम से ब्रीफ करने का काम किया है। तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं, मतगणना वाले दिन किसी भी तरीके से कोई हिंसा या अराजकता ना हो। अगर कहीं भी स्थिति बिगड़ती है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इन सब के बारे में सभी पुलिस कर्मियों को आवश्यक और कड़े दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित की ओर से दिए गए हैं। उन्होंने मतगणना वाले दिन किए गए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के बारे में बताते हुए क्या कुछ बताया, ये जरा आप भी सुनिए। ईवीएम सुरक्षित आप लोगों द्वारा की गई, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं कल के लिए और आज? कल होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। थ्री लेयर सिस्टम है यहाँ सिक्योरिटी का, आइसोलेशन, इनर और आउटर। आइसोलेशन में सीएपीएफ है, इनर कार्डन में पीएसी है और आउटर कार्डन में सिविल फोर्स के लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा जनपद में विभिन्न जगहों पर लोग लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की कोई प्रतिकूल स्थिति आने पर हम तत्परता से उसे शांत कर सकें। और इसके अलावा जो एजेंट प्रवेश द्वार हैं वहाँ डीएफएमडी एचएचएमडी के साथ कर्मचारी लगाए गए हैं। कर्मचारियों के भी प्रवेश द्वार पे डीएफएमडी एचएचएमडी की व्यवस्था है। साथ ही पूरे परिसर में क्यूआरटी तैनात किया गया है। साथ ही सादे कपड़े में लोग लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा हमारा हर जगह लगा हुआ है, जिससे कि कहीं भी कोई गड़बड़ी की आशंका भी न रहे और अगर कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है सख्ती से निपटने के लिए। हम इस बात के लिए संकल्प है कि हमारा मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, कोई अवरोध न हो, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं।